रासायनिक मुक्त भोजन स्वस्थ जीवन की कुंजी है। जैविक खाद्य पदार्थ अपनाएं, रसायनों से दूरी बनाएं, प्राकृतिक भोजन करें, स्वस्थ जीवन जिएं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में। और आज हम एक ऐसे अनुभवी फार्मर से मिलेंगे जिन्होंने तरह तरह की फसलें लगाई हैं और अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो आइए सीधा मिलते हैं हम अपने फार्मर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका परिचय। मैं मनमोहन शर्मा जी। पिछले 2007 से मैं इस फील्ड में आया था जी। अपने खाने के लिए, क्योंकि जो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो हम मजार से खा रहे हैं वो सही नहीं है हमारी सेहत के लिए और हमारे समाज के लिए। तो फिर मैं इस थोड़ा सा छोटी ज़मीन लेके मैंने काम शुरू किया अपने खाने के लिए। लेकिन अभी मैं काफ़ी बड़े क्षेत्र में और अलग अलग डिफरेंट फसलों पर काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनक्रेज करूँ कि वो शुद्ध खाना खाएँ, नेचुरल खाना खाएँ, जिसमें केमिकल्स की कम से कम मात्रा डली हो, जो उनकी और उनके परिवार के लिए बहुत शारीरिक स्वास्थ्य रखने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि काफ़ी तरह की आपने फसलें लगाई हुई हैं और मल्टी क्रॉप आप करते हैं, तो क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कितना ये फ़ायदेमंद चीज़ है? जो केमिकल्स जो आज की डेट में हमारे जो किसान मतलब तादाद से ज़्यादा जो केमिकल लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे सिर्फ इंसान के ऊपर नहीं, जानवरों के ऊपर और प्रकृति के ऊपर भी जो फ़र्क पड़ा है वो दुनिया को दिखाई देता है जी सर। जितनी बीमारियां आज, बीमारी यही नहीं है कि हमारे इंसान में बीमारी आ रही है, हमारे जानवरों में बीमारी है, हमारे केचों में भी बीमारी है जी। लेकिन जब से लोगों ने ये खाना शुरू करा है उनकी सेहत, जैसे अभी मेरा कुछ दिन पहले किसी से बात चल रही थी जी। वो कहते दवाइयाँ क्यों खानी है, जब हमारे पास फूड ही अच्छा है तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। जैसे अब से 50 साल पहले जो लोग खाते थे वो कम से कम दवाइयों पे या अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों जो उनके नुस्खे थे, जो अपना किसी भी चीज़ का उबाल के पी लेते, किसी जड़ को उबाल के पी लेते, किसी के फूल उबाल के पी लेते थे, उन्हीं से उनका काम चल जाता था। लेकिन आज क्या है, हर हम केमिकल्स ज़्यादा खा रहे हैं, बीमारियाँ हो रही हैं और उनकी वजह से हमें मेडिसिन लेनी पड़ रही है और उसके बावजूद भी इंसान सही नहीं हो रहा। उन मेडिसिन के बावजूद भी इंसान सही नहीं हो रहा। अगर इंसान सही हो जाए तो भी अच्छी बात है, उनको खाने के बावजूद मेडिसिन लेने के बाद भी इंसान सही नहीं हो रहा। सर ये बता रहे हैं कि हमें, कि जैसे हम देख रहे हैं कि आज जो इम्यूनिटी की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, वो अच्छा खाना तो हमें चाहिए, हमें फ्रेश खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए और मेन चीज़ है टाइम टेबल के साथ साथ। तो सर जैसे अभी आपने देखा होगा कि सर कोविड के बाद हमारे इंडिया के अंदर इम्यूनिटी की बड़ी प्रॉब्लम आई है और इम्यूनिटी वर्ड कोविड के बाद ही ईजाद हुआ है। तो इसको लेके हम देखते हैं कि जब हमारे किसान भाई हैं वो पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, किसी को पता है कि कितना करना चाहिए या यूज़ कि किसी को नहीं पता, तो उस करके कुछ ऐसी गलतियाँ भी हो जाती हैं कि जो पेस्टिसाइड ज़्यादा मात्रा में डल जाता है और वो हमारे जब इंडियंस खाते हैं तो जाने अनजाने में वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इम्यूनिटी की। तो उसको लेके सर आप क्या बताएंगे कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमारे किसानों को इस समय की प्रकृति से, में जो ये कोविड आया उसमें लड़ने के लिए तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता बची है वो लोगों को पता लग गया है इस कोविड में। और इस कोविड के बाद से लोगों में जो एक जागरूकता पहले भी थी, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब नेट पे जाते हैं, लेकिन कोविड के बाद में हमारे लिए एक फ़ायदा हुआ जी। पहले हमें लोगों को अवेयर करने के लिए बोलना पड़ता था जी। अभी लोग सिर्फ डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए, क्यों कि उन्हें अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता थी, इम्यूनिटी थी, उसको पता लग गया और आप वो अपने और अपने बच्चों के लिए शुद्ध खाना चाहते हैं जी। ये फ़र्क कोविड के बाद से आया है जी। और आपने कहा कि पेस्टिसाइड जो मैंने बताया कि पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद, तो किसान, एक नॉर्मल किसान को आज यही नहीं पता कि मुझे कितना डालना चाहिए जी। दूसरा कि उसको इतना किसी ने अवेयर नहीं करा कि हमारे दूसरे बात के उसके पास कोई मानक नहीं है कि मुझे कितना डालना चाहिए, मेरे खेत की क्या रिक्वायरमेंट है। तीसरी बात है एक जो आपस में कंपटीशन में बड़ी वो है कि भाई तूने अगर नहीं डाला, तेरे पास कैपेसिटी नहीं है इसमें डालने की और तेरे में जो है तेरा जो फसल है कम पैदा होगी। तो आपस में जो कंपटीशन हो रहा है कि नहीं मुझे भी इतना ही पैदा करना है,
जो पैदा करने वाले तेरे खेत की क्षमता है नहीं, लेकिन तुझे पैदा करना है, चाहे उसमें पेस्टिसाइड डालो चाहे रासायनिक खाद डालो, लेकिन चाहिए इतना ही। अब उसकी क्या कैपेसिटी, जो पैदा करा उसके अंदर कितनी गुणवत्ता है उसको वो नाप नहीं नापता, क्योंकि उसे और खाता भी है, उसे खाता भी है, ये नहीं है कि वो खाता नहीं है, खाता उसे ही खाता है, और उसको खा के जो बीमारियां ले रहा है वो खुद अपने शरीर ले रहा है, औरों को तो दे रहा है, अपने खुद भी इनहेल कर रहा है। हमारी जो सरकार है वो किसानों के लिए बहुत काम कर रही है, आपने सुना होगा कृषि विज्ञान केंद्र और जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और बाकी जो हमारे समूह बने हुए हैं गांव के अंदर छोटे छोटे, उनका काम है कि किसानों को जागरूक करें पेस्टिसाइड के लिए या फिर नए बीज के लिए या नई मशीनरी के लिए। लेकिन एक हम ये भी कह सकते हैं कि सब लोग अपने खेतों में बिजी रहते हैं या फिर जो सरकार का जो संदेश है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है किसानों तक। कुछ किसान हैं जो जाते हैं ट्रेनिंग लेते हैं और वो आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि हम कृषि जागरण जो हमारी मीडिया है और सर अनुभवी सर जो हैं हमारे से मिलते हैं, फार्मर मिलते हैं हमसे, और हमारी मैगज़ीन है, सोशल मीडिया है और वेबसाइट है, हम इसके माध्यम से ये जो कमी है, जो सरकार की जो संदेश है वो जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम भी प्रयास करेंगे सरकार का साथ देने का और ये बातें हम वहाँ पहुँचाएँगे। तो सर आप अगर अपने खेत की बात करें तो आपने क्या क्या फसल लगाई हुई है अभी? हम मल्टीपल खेती करना पसंद करते हैं जी, जिसमें हमारी कंबाइंड खेती होती है जी, और चक्रिक खेती जिसे बोलते हैं जी, जी चक्र में होती है। जिस खेत में हम इस बार एक फसल लगाएंगे अगले साल उस वाले खेत में वो फसल नहीं लगाते हैं, जिससे हमारे को एक डेफिशिएंसी ना पैदा हो जाए जी, प्लस जी। हम एक फसल के साथ दूसरी फसल, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं ये मेरा मक्के का खेत है। अच्छा, तो इसमें हमारा पहले से में साथ में धनिया भी था। अच्छा अच्छा। तो धनिया हमारा जब तक ये मक्का ऊपर आई तब तक हमारा धनिया निकल चुका था। अच्छा। और धनिया क्या होता है कि हमारे को वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, जितने भाई छोटी पत्ती वाले जो जितने भी होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, तो हमारे नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो नाइट्रोजन हमारे को मक्का में दे दी। अब देखो आप इसमें कोई भी हमारा आप देखेंगे तो इसमें कोई भी हमारा कोई भी केमिकल हमने इस्तेमाल नहीं करा है, और इसमें आप बाकी खेतों के मुकाबले देखो इसमें हरियाली में या किसी उसमें कमी है। बाकी दूसरा हम एक स्टेप वाइज खेती करते हैं। अच्छा। मेरे यहाँ पे मक्का भी दिखाई देगी, जैसे आपने पिछली बार आए थे तो मेरी 6 फसल 8 फसल मेरी कंटिन्यूशन में लगती है, 15 दिन के गैप से जो हम कंटिन्यू दे पाए लोगों को। हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक बार हमने 2 एकड़ एक जगह लगाई और उसमें एक बार काट ली, हमारा एक बार जैसे गाजर मेरी शुरू होती है अपना दशहरे से शुरू हो जाती है तो वो मार्च तक चलती है। अच्छा अच्छा। हम स्टेप बाय स्टेप खेती करते हैं, 15 दिन पे बुआई होती है, 15 दिन बाद कटाई होती है, तो हमारा हर समय खेत में काम चलता रहता है। अभी आप इसमें देखोगे जब इसको पूरा रिकॉर्डिंग करोगे तो उसमें आपको कम से कम 6 स्टेज की मक्का दिखाई देगी। अच्छा, उस मक्का के साथ में लोबिया भी लगा हुआ है मेरा, उस मक्का के साथ मेरा खीरा भी लगा हुआ है, और बता रहा हूँ मैं धनिया मेरा लग चुका है, धनिया जा चुका है। अभी इसी तरह से हमारे डबल खेती हम खेती करते हैं। प्लस आपने एक बात कही थी कि किसान अपने खेतों को सुधार नहीं पाता, एक प्रधानमंत्री जी का ग्रुप खेती का वो आया है। अच्छा अच्छा। हाँ, समूह में जो सामूहिक खेती जिसे बोलते हैं जी। उसमें कुछ अपनी त्रुटियां थी, हमने गवर्नमेंट को दिया है कि अपने जो FPO हैं फार्मर और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कुछ कमियां थी जिसमें हमने एक छोटा सा उनको दिया है, हमारी बात भी चल रही है कि उसमें उनका कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि हम इतने लोग इकट्ठे होंगे तभी हम उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाते इसलिए हमारी FPO बन नहीं पाती। मैंने भी 10 बार यहाँ पे ट्राई करा कि हमारी FPO बन जाए, लेकिन उनकी जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो ना करने की वजह से FPO नहीं बन पाए, जो बन भी गए तो वो चल नहीं पाए। अभी हमने उनको जो कि स्मार्ट FPO का एक वो दिया है कंसेप्ट, जिसके ऊपर चल रही है हमारी बात, हमारी कुछ सरकार के साथ मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं कि कुछ उसमें पैरामीटर्स को इतना करो जो किसान उसको अवेल कर सके जी। अगर गवर्नमेंट दे रही है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर गवर्नमेंट कुछ दे रही है और वो ले नहीं पा रहा इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जी। तो हमने उनको एक कंसेप्ट दिया है, उस पर देखो हमारा कितना आगे बात चलती है, उस पर हमारी 3-4 मीटिंग हो चुकी हैं, आगे भी हमारी वेटिंग में है जी, जी, जी। कुछ इलेक्शन वगैरह कुछ एडमिशन काम की वजह से थोड़ा सा अटक गया है जी। हो सकता है अगले 2-4 महीने में हमारे को जब हम अगली बार मिले तो हम आपको उसका एक पूरा खाका दे पाए कि हमने ये किया और हमने गवर्नमेंट को दिखाया और उन्होंने हमको ये प्रोजेक्ट दिया जी। बिल्कुल, हम बहुत बहुत कामना करते हैं कि जो आपका जो आपकी जो योजना है
फार्मर वेलफेयर के लिए और FPO स्मार्ट FPO की बात आपने की, और प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो FPO पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, सामूहिक खेती पर, और ये आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन जो क्लॉजेज ऐसे ऐसे हैं कि जो फार्मर हैं काफ़ी बिजी रहते हैं हमारे फार्मर खेती करने में, और बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम चाहते हैं सर कि आपका FPO बने और आप अपने क्षेत्र के जो फार्मर हैं उनको और आगे बढ़ाएं। तो सर इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए सर हम आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं कि इस टाइम हम आपको बता दें कि हम नोएडा में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश नोएडा में, तो सर यहाँ पर पानी और मिट्टी की स्थिति क्या है, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी या पानी के को लेके अगर हम बात करें तो फार्मर को कितना फायदा है इस चीज़ में, कोई या कुछ प्रॉब्लम आ रही है पानी या मिट्टी को लेके? नहीं नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर पानी थोड़ी सी नमकीन या खारा होता है वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ तो हमारा जिस जगह हम खड़े हैं और यहाँ से 50-50 किलोमीटर तक के आसपास तक तो मैंने देखा नहीं कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम, पानी स्वीट वाटर है। अच्छा, अच्छा। और उपजाऊ मिट्टी है जी। और उपजाऊ मिट्टी को मतलब फर्टाइल करने के लिए तो हमारे को ग्रीन मैन्योरिंग हो गई, गाय के गोबर की खाद हो गई, या हमारी जो बाकी खादें हैं उन्हीं को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। हम तो जो देसी खेती करते हैं तो हम तो उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, बाकी लोग हैं जो रासायनिक फर्टिलाइज़र लगाते हैं, तो रासायनिक फर्टिलाइज़र भी एक टाइम तक ही उसमें सक्सेस है। जी, जी। जब तक आप उसको एक नेचुरल तरीके से उसको फर्टाइल करने की नहीं करोगे तब तक वो उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे आएगी? जी सर बिल्कुल। युवा फार्मर को कोई ऐसा संदेश जो फार्मिंग से हटते जा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश होना चाहिए, और जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए क्या सावधानियाँ होनी चाहिए? अभी क्या है कि किसान कुछ लिमिटेड खेती पे आ गया है। जब मेरी सलाह है कि वो अब से 50 साल पहले हमने देखा था कि हमारे हर एक किसान अपनी जरूरत की सब चीज़ें अपने खेत में बोता था। अच्छा। इवन कपास तक, अपने कपड़े बुनने के लिए कपास भी बोता था, सारी दालें बोता था, सारे मिलेट्स बोता था। आज पूरे जंगल को देखते चले जाओ, अगर धान खड़ा है तो धान ही खड़ा है, गेहूं खड़ा तो गेहूं खड़ा है। यस सर, तो जब तक आप अपनी जरूरत की चीज़ें भी अगर नहीं पैदा करोगे तो मार्केट से खरीदोगे, और मार्केट जब आपने नहीं बोया, पड़ोसी ने भी नहीं बोया, किसी दूसरे पड़ोसी ने भी नहीं बोया, तो कहाँ से लोगे? तो हमारे साथ आज मनमोहन शर्मा जी ने बात की और अपने जो अनुभव हैं और इतना इम्पोर्टेंट अनुभव शेयर किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आप यहाँ पधारे, हमारे विचार आपने लिए और कोशिश है कर कुछ लोग इसको समझ पाए, तो हमारे लिए, हम कृषि प्रधान देश होते हुए जो हम पिछड़े हुए हैं, आज हम 10वें से भी पीछे नंबर पर हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इसमें विचार अच्छे लगें, हो सकता है कुछ लोगों को विचार अच्छे भी ना लगें, पर उनसे माफ़ी, और जिन लोगों को अच्छे लग जाए उनके लिए, मेरे लिए कभी भी कहीं पर पहुँचना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ जाके कुछ समझाना तो समझाने को तैयार रहता हूँ हर समय। धन्यवाद धन्यवाद।